so many people have fallen into. Most people who have moved on into addiction don't recognize that. दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये केवल कहावत नहीं है, आजकल ये सच भी होने लगा है। अगर कोई नशा करता है तो उसे पता है कि वो नशा कर रहा है, लेकिन आदत की वजह से वो उसे छोड़ नहीं पाता और एक दिन दुनिया से निकल लेता है। अब नशे की बात चली है तो केवल बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा ही नशा नहीं होता, रील्स का भी नशा होता है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हम पूरे दिन फोन पर लगे रहते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो घंटों रील्स देखने में गुजार देते हैं। कई बार तो वो भी वीडियोस देखते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है या आप खुद ऐसा करते हैं तो शायद आप ब्रेन रोट से पीड़ित है। फर्क नहीं पड़ता रील्स बच्चे देख रहे हैं या बड़े, क्योंकि रील्स का नशा ही कुछ ऐसा होता है जो छूटे नहीं छूटता। बस फोन बार बार रील्स स्वाइप करने के लिए कहता है और हम गुलाम बनकर रील्स स्वाइप पर स्वाइप किए जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि इससे हमें कितना नुकसान होता है। क्या सच में रील्स देखने से इतना नुकसान होता है और रील्स देखने की लत आखिर छूटती क्यों नहीं है? इन्हीं सवालों के आज हम जवाब जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के ज्ञान की। पहले लोगों को शराब सिगरेट की लत लगती थी, अब लोगों को रील्स देखने की लत लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट का यूज करते हैं और करीब 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। गूगल ने तो ऐसा जाल बनाया हुआ है कि हम अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी सर्च करें तो उसके सजेशन हर जगह दिखने लगते हैं। कुछ साल पहले दुनिया को टिकटॉक से रूबरू कराया गया। उस पर इन्फ्लुएंसर एक मिनट की वीडियोज बनाकर डालते थे। मार्क जुकरबर्ग इसमें कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स का नया सेक्शन ही जोड़ दिया। इन्फ्लुएंसर पैसा कमाने और पॉपुलर होने के लिए रील्स बनाने लगे और यूजर्स मजे के लिए रील्स देखने लगे। ऊपर से आजकल इतने ट्रेंड बदल रहे हैं कि एक समझने की कोशिश करो तब तक दूसरा आ जाता है। लोग दिखावा करने के लिए नई नई चीजें करते हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें, जैसे कि आईफोन लेना और समाज की उस मुख्य धारा से जुड़ जाना जिन्हें लगता है कि आईफोन लेने से हम कूल बन सकते हैं। फोन अच्छा है तो फोटो और वीडियो भी अच्छे आएंगे। केदारनाथ गए हैं तो महादेव के गाने पर बिना रील बनाए आए तो दुनिया क्या कहेगी, और जब सभी रील्स बना रहे हैं या शेयर कर रहे हैं तो हम भी कर ही देते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया दिखावा ही तो है, असल जिंदगी से बिल्कुल अलग, इसे एस्केपिज्म कह सकते हैं। रील्स बनाना भी इसी का एक हिस्सा है, यानी अगर आप दुखी हैं, अकेले हैं तो रील्स बनाना या शेयर करने से लोगों को हम अकेले नहीं नजर आएंगे, साथ ही खुश भी दिखाई देंगे। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग फोन को वर्टिकल पकड़ते हैं और वीडियोस भी वर्टिकल स्टाइल में देखना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक पर बनने वाले वीडियोस भी वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं। इसे देखने वालों के लिए ये आसान हो जाता है। अब समझते हैं कि रील्स देखने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स के कई तरह के काम होते हैं, जैसे बीपी शुगर लेवल को ठीक करना। ऐसा ही एक हार्मोन है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह हमारे मोटिवेशन, मूड आदि भावनाओं पर असर डालता है। आमतौर पर जब हमें कोई अवार्ड मिलता है, कुछ अच्छा होता है या ऑफिस में बॉस तारीफ कर देते हैं तो यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन रील्स देखने से ऐसी भी क्या खुशी? वो है कि अगर हम परेशान हैं और अगर कोई रील दिख जाए तो होठों पर स्माइल आ जाती है। इसके अलावा बाथरूम में समय काटने के लिए रील से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है? लेकिन ये कुछ देर की खुशी बर्बादी की वजह बन सकती है। हमारे दिमाग में लगे हुए तार कुछ अलग होते हैं, जैसे कि हर चीज नोटिस करना, चीजें याद रखना। ऐसे में घंटों तक रील देखने से रिवॉर्ड वाली फीलिंग लगातार बनी रहती है, इस वजह से इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ऐसे में घंटों तक रील देखने वाले लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, रील्स देखने की लत लग जाती है और अगर रील ना दिखे तो परेशानी होने लगती है। आसान भाषा में कहें तो रील्स देखने के लिए तड़पने लगते हैं, ब्रेन इधर उधर डोलने लगता है। आपको ये भी बता दें कि 25 साल की उम्र तक दिमाग डेवलप होता है, ऐसे में अटेंशन आईक्यू लेवल अच्छा रहता है, दिमाग की वायरिंग एकदम ठीक होती है। ऐसे में रील देखने से दिमाग के तार थोड़े ढीले हो जाते हैं,
इस वजह से इंटेलिजेंस जैसी चीजें कम हो जाती है, रखी हुई चीजें भूल जाते हैं। केवल बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग सड़ जाता है, और सड़ा हुआ दिमाग तो चप्पल कैसे पहने, नाले के पानी से खाना खाना, यही चीजें तो देखना पसंद करेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो आपके लिए भी ब्रेन रोट जैसे शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।